धान की खरीद कुछ दिन पहले शुरू हुई थी और आज फिर से खरीद बंद कर दी गई है, जिसके विरोध में किसान नेताओं ने टांडा उर्मूर की दाना मंडी में कमेटी कार्यालय के सामने धरना दिया है। किसान नेताओं ने पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंचे विधायक जसवीर सिंह राजा ने डीएसओ और सचिव शैलन मालिक के साथ बैठक की, जिसमें किसान नेता भी मौजूद रहे। मीटिंग के बाद यह बात सामने निकल कर आई कि सेलर मालिकों की आपस में नोकझोंक के कारण धान की फसल की खरीद बंद हो गई। सुबह 9 बजे विधायक जसवीर सिंह राजा, सेलर मालिकों और आढ़तियों और किसान नेताओं की बैठक रखी गई है। विधायक जसवीर सिंह राजा द्वारा आश्वासन दिया गया कि धान खरीद शुरू कराने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। टांडा दाने मंडी के 3 जथियां बंदियों वालों रोस प्रोटेस्ट किया गया मार्केट कमेटी के सामने, क्योंकि झोने की खरीद में लैके जिते दुआबा किसान कमेटी पंजाब, उत्थे किसान मजदूर संघर्ष कमेटी, उत्थे नाल बीके जू गढ़दी वाला, यह 3 जथिए बंदियों ने जिहड़ा प्रोटेस्ट किया आ झोने की खरीद जिहड़ी बंद हुई सी अज तों। सो इत्थे मानयोग MLA साहब भी आए ते नाल खेतीबाड़ी दे अधिकारी भी आए आ, नाल DFC भी आए, उन्होंने सैकटरी भी आए, तो बैठ के आढ़ती वीर ने भी गलबात की है। सो असी सारे ने यह फैसला किया कि जी अज खरीद शुरू हो जाए, पर अंदर जी गल हुई है शैलर मालिका से थोड़ी बहुत ही आपसी जोड़ा मतभेद चलता है। कल 9 बजे सारे शैलर मालिका सद लिया गया है, सारे किसान जथेबंदियों के आगू और सारे आढ़ती मानयोग MLA साहब ये बैठ के कल 9 बजे मीटिंग करेंगे और कर हर हालत जो सू विश्वास दवाया कि खरीद चालू की जाएगी, और अगर खरीद नहीं चालू होगी सो असी तिने जथेबंदियों ने फैसला किया कि उस तो बाद असी पक्के तौर पर जोड़ा असी फैसला किया हो जनता करा, पक्के तौर पर जोड़ा धरना जोड़ा वो लावे, धरना नहीं चका। पर भी कल टांडे का मुद्दा नहीं है, यह चुरांग मंडी का मुद्दा, गढ़दी वाले मंडी का मुद्दा, जलालपुर मंडी का, होर सारिया मंडियां का जिते फोकल पॉइंट है। सो असी पंजाब सरकार को अपील भी करते हैं, बेनती भी करते हैं, इस खरीद निरंतर रूप के जारी रखो। टुटमी खरीद के ना सा किसान सहमत आ, ना साडिया जथेबंदियां सहमत आ, ना सा जो काम मुकना।